आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 आर्यस अग्रवाल चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। तो आज हम लोग इस वीडियो में चार ऐसा टर्म पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक मार्क्स आता है। बेसिक मैथ वाले बच्चों के लिए तो ये आता ही है एक मार्क्स में, स्टैंडर्ड में भी कभी कभी आ जाता है CBSE में। तो चलिए देखते हैं कि वो चार टर्म क्या है ऐसा चैप्टर 1 रियल नंबर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूँ कि मैं आर्यस अग्रवाल का हर एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आता है लेम्मा, तो देखते हैं लेम्मा क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ए लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ तो एक्सप्लेन करते हैं। एक लेम्मा उस वर्ड को, एक लेम्मा वर्ड दिया हुआ है कोई टर्म को, उसे कहते हैं कोई प्रूव है ना स्टेटमेंट, वो पहले से ही प्रूव्ड है कि हाँ ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वह प्रूव है। तो वो क्या करता है, वो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल में टू डिवाइड ऑल इवन नंबर, आप खुद से सोचिए कि ये सेंटेंस प्रूव्ड है कि नहीं। दो जो है इसका मतलब है दो जो है हर एक इवन नंबर को डिवाइड करता है, हर एक नंबर को वो डिवाइड कर देगा। ये तो आपको मालूम ही है, दो चार से भी चार को भी डिवाइड करता है, दो छः को भी डिवाइड करता है, दो आठ को भी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट को भी प्रूव कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये प्रूवन स्टेटमेंट है। और इसको हम एक सेपरेट वर्ड दिए हैं, क्या दिए हैं, वो लेम्मा दिए हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि कोई प्रूवन स्टेटमेंट है पहले से और दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करता है। ये स्टेटमेंट आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं तो लेम्मा आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा टर्म यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो R है वह जीरो से बड़ा है और इक्वल है और B से छोटा है। अब इसका मतलब एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले एक बार नाम को देखते हैं क्या है। तो लेमा मतलब समझ आए कि ये जो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ वो पहले से प्रूव्ड है, यानी ये एक स्टेटमेंट है जिसको लेमा कहते हैं, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम लेमा नाम दिए, ये प्रूवन स्टेटमेंट है और ये डिवीजन का है, इसलिए ये डिवीजन मेथड का ये स्टेटमेंट है। और यूक्लिड्स आपको मालूम होगा ये साइंटिस्ट का नाम है, 9 क्लास में भी था, आप पढ़े होंगे। तो यूक्लिड्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, यानी यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा का एक प्रूवन स्टेटमेंट है, या डेट इज लेमा। तो इस नाम से यही सारांश निकलता है कि यूक्लिड साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट दिया है यूक्लिड साइंटिस्ट जो कि पहले से प्रूव्ड है, और वह प्रूव्ड स्टेटमेंट किसके क्या चीज का है, तो डिवीजन मेथड का। अब समझाते हैं, तो जो अगर पहले से, यानी फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दिया हुआ है वहाँ पे क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेगा। क्यू मतलब कोसेंट, आर मतलब रिमाइंडर, यहाँ पे बता दिए हैं आप देखिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो जो है, ये तो आपको समझ आया, जो रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है जीरो का, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। बी ये डिवाइजर जिसे डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए ए ए जिस डिविडेंड यानी जिसको भाग देते हैं, बी डिवाइजर यानी जिसको जिससे डिवाइड करते हैं, क्यू कोसेंट, आर रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 117 को 14 से डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, 14 इधर लिखेंगे और बीच में लिखेंगे 117। 14 8 या 112 हो तो आपको मालूम है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, 5। तो आपको तो मालूम ही है कि इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं और इसको कहते हैं डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, और ये हो गया डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। तो ये समझ आ गया। तो अब वापस फिर से वही पेज में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर स्टेटमेंट में देखें तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पूरा जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये एक लेमा है और ये डिवीजन का लेमा है, इसलिए ये और इस ये डिवीजन का लेमा है,
और इसको कौन दिया था, तो ये यूक्लिड्स नामक एक साइंटिस्ट दिए थे, इसलिए इस पूरा का नाम हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा मतलब आपको तो समझ आया ही है कि प्रूवन स्टेटमेंट। तो अब चलिए आपको, आई होप आप समझ गए होंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। तो इसी पे एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। एग्जांपल वन देखिएगा, बुक में भी है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है एग्जांपल वन का। तो ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज कोशेंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका गिवेन लिख लेना चाहिए। गिवेन एक क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र के जैसा काम करता है, और अगर आप गिवेन लिख लिए तो आपका आधा क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवेन क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देखते हैं गिवेन में क्या है। तो डिवाइजर दिया हुआ है हमको, डिवाइजर कितने दिया हुआ है 73। यहाँ देखिए 73 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय, यानी इसको 73 को किसी से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे कोशेंट भी दिया हुआ है, लिख लेते हैं कोशेंट कित क्या दिया हुआ है 34 एज कोशेंट बोला है ना, तो 34। अब रिमाइंडर भी दे दिया है, चलिए अच्छी बात है, रिमाइंडर भी दे दिया है, क्या दे दिया है 23। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि हम उसी के तहत बनाएंगे ना, उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैसा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो देखे थे। तो बाय EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है उसका फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ए नहीं दिया हुआ कहीं पे, ये है B, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। तो A नहीं दिया तो हमको A ही फाइंड करना है। तो A बराबर B कितना दिया हुआ 73 इंटू में है इंटू Q कोसेंट कितना दिया हुआ 34 और प्लस कर देना है रिमाइंडर यानी 23। तो आप 73 इंटू 34 को इंटू कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2482 होता है इसका मल्टीप्लाई, आप देख लीजिएगा, प्लस अब 23 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे इम्प्लाइज वे का साइन होता है आपको मालूम ही होगा। ए बराबर अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2505, ये आंसर हो गया। यानी हमको 73 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा कोसेंट, रिमाइंडर आएगा 23, तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो बस यही था एग्जांपल वन, आरएस अग्रवाल का पहला एग्जांपल वन था। अब आते हैं तीसरा टर्म जो कि है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम फिर से एक लेमा की तरह ही वर्ड है, तो देखते हैं पहले डेफिनेशन उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ये तो एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स को कहते हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, कोई स्टेप्स दिया हुआ है एकदम वेल डिफाइंड है, सीरीज है स्टेप्स का, इस तरह का स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, और ये सीरीज है, स्टेप वन का है स्टेप टू स्टेप थ्री, ये सीरीज बन रहा है और एकदम वेल डिफाइंड है, जो कि हमें देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। ये स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड ही ना देता है, तो उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे अगर स्टेप वन में जो प्रोसेस है तो वही प्रोसेस होनी है, स्टेप टू में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होनी है, स्टेप थ्री में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होनी है, आगे पीछे कोई प्रोसेस नहीं होना, क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड स्टेप्स है ना, जैसा जैसा डिफाइंड है वैसा वैसा ही होगा, और ये सीरीज बना हुआ है, इसलिए एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ सीरीज, जो भी रहो सीरीज बोलते हैं इसको, स्टेप्स का सीरीज। अब आते हैं चौथा टर्म यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक्निक देता है हमें एचसीएफ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का, यानी एचसीएफ वहाँ पे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था ना एल्गोरिदम में, देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ को एक टर्म लिया है, एचसीएफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, किसके तहत, एल्गोरिदम के तहत। एल्गोरिदम मतलब आपको समझाएं ही, स्टेप्स
जिसको स्टेप्स से इसको सॉल्व करते हैं, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब ये डिवीजन का होगा, डिवीजन से तो ये यूक्लिड साइंटिस्ट इसे भी दिए। तो अब HCF प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके स्टेप्स एंड कुछ एग्जांपल्स। अगर आप ऐसा ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।